आंसर राइटिंग में आज हम लोग मेन पेपर जो है इसमें जीएस सेकंड पेपर तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग करा रहे हैं। तो प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की मुख्य भूमिका पर चर्चा करना है 150 शब्द में। तो एक बार आप ये जो प्रश्न है वो जल्दी से नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब जैसे कि आपको जब प्रश्न हल करना होगा तो उसका पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा कि आपको पहले करना क्या होगा। जैसे कि CVC और संस्थानम समिति का आपको शॉर्टकट परिचय देना भी आपको मालूम पड़ जाएगा। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में CVC की फिर आपको भूमिका बताना, फिर उसके बाद आपको निष्कर्ष पर आ जाना है, इस तरीके से आपको करना है। जैसे कि परिचय आ गया, जैसे ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है, ये सब बताया नहीं के लिए लिखा है, आपको किस तरीके से लिखना है वो समझें। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना 1964 में भ्रष्टाचार निवारण एवं संस्थानम समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप की गई थी, बस। या फिर आप थोड़ा सा ये लिख लो, ये भारत का सर्वोच्च सरकारी निकाय है जो देश के लोक प्रशासन, ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ा देने के लिए जिम्मेदार है। फिर आपको मुख्य भाग में आ जाना, मुख्य भाग नहीं लिखना होता, बस ये बताने को ये आप हेडिंग डाल सकते हैं, केंद्रीय सकते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका इस तरीके से। फिर इसमें जाकर आप इस तरीके से लिख सकते हैं पॉइंट वाइज, ठीक है। जांच और पूछताछ, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों के लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच का कारण बनता है। जैसा कि विनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघ वर्ष 1998 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, अखिल भारतीय सेवा समूह ए अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की जांच करता है। निरीक्षण और अधीक्षण, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस सत्र CBI के कामकाज का अधीक्षण करता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोजन की स्वीकृति के लिए लंबित आवेदनों की प्रगति की निगरानी करता है। सलाहकार और नियामक भूमिका, केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों को संदर्भित मामलों पर सलाह देता है। केंद्रीय सेवा और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनात्मक मामलों को नियंत्रित करने वाले नियम तथा विनियम बनाने में केंद्र सरकार के साथ परामर्श करता है। मुखबिरों की सुरक्षा और शिकायतों का निपटान, जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा संकल्प के तहत प्राप्त शिकायतों पर विचार करता तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है। नियुक्तियां एवं चयन समितियां, केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति और प्रवर्तन उप निदेशक के स्तर से ऊपर की नियुक्तियों के लिए अधिकारियों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। दोस्तों अब आते हैं निष्कर्ष पर, और निष्कर्ष भी आपको जैसे कि ये आपको दिख रहा है, इतना जब आप लिखोगे UPSC की कॉपी पे तो एक लाइन ये हो जाएगी, एक लाइन ये हो जाएगी, और फिर इसकी भी 4 लाइन या 5 लाइन या 6 लाइन में आपका निष्कर्ष कम्प्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। अपने निर्धारित कार्यों का पालन करते हुए CVC भारतीय प्रशासन प्रणाली के भीतर पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण पहरी के रूप में कार्य करता है जो सुशासन सुनिश्चित करता तथा जनता के विश्वास में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो दोस्तों अब आपको इतना समझ में आया कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको निरंतर ऐसे ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराती जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों।